हाय गाइस, दिस इज सलमान शेख। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपकी दो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ। पहली, कि आप अपने ढेर सारे पैसे कैसे बचा सकते हैं, और दूसरी, कि आप अपनी पुरानी जीन्स में कुछ चेंजेस करके उसे एक न्यू लुक कैसे दे सकते हैं। वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि वीडियो का टॉपिक क्या है। सो एज ऑलवेज, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हमें हमारी जीन्स को रिप करने के लिए चाहिए एक सीजर, सैंड पेपर, एक कार्डबोर्ड का पीस, ब्लेड और एक रेजर। आपको जहाँ भी टोन करना है जीन्स को पहनकर, वो एरिया में पेंसिल से मार्क कर लीजिए। जीन्स में कार्डबोर्ड प्लेस कीजिए ताकि जब हम कट करें तो जीन्स का ऑपोजिट या फिर दूसरा एरिया कट ना हो। अब मार्क किए हुए एरिया को ब्लेड से कट कीजिए। ध्यान रखिएगा, जब भी आप ब्लेड को पकड़ें तो एक टिश्यू या फिर एक नैपकिन का इस्तेमाल कीजिए। सारे एरिया को कट करने के बाद उसे सैंड पेपर से स्क्रब कीजिए। सैंड पेपर आपके जीन्स पर एक स्क्रबर का काम करता है। आप अगर चाहें तो इन थ्रेड्स को काट सकते हैं। मैं ऐसा पर्सनली नहीं करता, क्योंकि एक दो वॉश के बाद ये और ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। आपके हर एक पुराने क्लोथ आइटम से कुछ नया बनाया जा सकता है। इनफैक्ट जब जीन्स पर स्ट्रैप्स का ट्रेंड आया था, तो मैंने एक नई जीन्स खरीदने के बजाय यही सेम जीन्स पर 30 रुपीज़ के स्ट्रैप्स खरीद कर उसे स्टिच करवाया था। एंड ट्रस्ट मी, बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स आए थे। इस वीडियो से अगर आपको हेल्प मिली हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। ड्रेस स्मार्ट, बी स्मार्ट। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।